यीशु आप सभी को आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें आप सब खुश है आज के दिन Amen. हम अपने परमेश्वर पिता के भवन में है और इससे अच्छी स्थान आज की सुबह और कहीं नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आइए आराधना गीतों गाने से पहले कुछ क्षण हम अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके सारे उपकारों को हम याद करें कि परमेश्वर ने हमें बीते दिनों में संभाल के रखा है। आज के दिन अगर हम जीवित हैं, अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा है, ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह है कि आज की सुबह हम यहाँ पर हैं। और इसलिए ये मौका लेते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद यीशु कि आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए प्रभु यीशु आज की सुबह हम सब ने उद्धार पाया है और प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हैं आपको धन्यवाद देने के लिए और आपको स्तुति देने के लिए क्योंकि आप ही योग्य हैं। प्रभु आज की सुबह हम कुछ और याद नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ आपके भलाई के लिए और आपके सारे उपकारों के लिए, आपके सारे आशीषों के लिए जो आपने हमारे ऊपर उंडेला है प्रभु जी। हालेलुया, और आज तक हमें संभाल के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर आपके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं, एक बार फिर हम परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने खड़े होकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय पर आपका आशीष होने पाए, इस समय पर और इस स्थान में आपकी उपस्थिति होने पाए कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपके पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए, आपके सामर्थ्य से भरने पाए। प्रभु यीशु हम यही चाहते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। Oh.
ऊंचा, सिर्फ आपके आवाज ऊंचा। यस हालेलुया। Hallelujah!
Oh,
सारा ध्यान केवल आप ही पर लगाने पाए। हालेलुया,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु जबकि हम आपके भवन में यहाँ पर पाए जाते हैं एक साथ मिलकर, होने दे कि आपकी आत्मा हमारे मनों को हमारे दिलों को अपने वश में ले। धन्यवाद धन्यवाद। और हर एक बात में हम यहाँ पर आपको महिमा देने पाए, आप ही को महिमा देने पाए। धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आप सबको जय मसीह की। आइए लूका रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय की ओर हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे। क्षमा करेगा, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय। और इससे पहले कि मैं वचन को पढूं, मैं आपसे एक प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आप में से कितनों ने पहाड़ी उपदेश को पढ़ा है? कहां पर पाया जाता है? पहाड़ी उपदेश कहां पाया जाता है? मत्ती 5:6-7 में आपको धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर शिक्षा दे रहा है, नीचे एक बड़ी भीड़ इकट्ठा, इसलिए उसको पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। किस किस ने जमीनी उपदेश को पढ़ा है? छठा अध्याय 17वें वचन। तब वह उनके साथ उतर कर चौरस जगह पर खड़ा हुआ। चौरस यानी इंग्लिश में, अगर यूनानी में इसका ट्रांसलेशन अगर अनुवाद देखेंगे, लेवल ग्राउंड यानी मैदान पर खड़ा होकर उनसे बात किया। तो ये यीशु मसीह का एक मैदानी उपदेश है। अगर इसको आप देखेंगे पहाड़ी उपदेश मैदानी उपदेश, आइए लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में और 20वें वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 20वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक। कोशिश मेरी यही है, अगर आपके पास NIV बाइबल है, क्योंकि ये जो बाइबल सोसाइटी वाला बाइबल है लायल बाइबल, इसमें ये काले शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन जो NIV बाइबल है उसमें लाल में अंकित किया गया है, क्योंकि यीशु मसीह के अपने शब्द हैं। बाइबल में जहां कहीं यीशु मसीह ने खुद उस बात को बोला है वो लाल शाही से अंकित किया है, लाल शाही से लिखा गया है। लेकिन इस बाइबल के संग थोड़ा सा ये समस्या नहीं है, लेकिन एक तरीके से इसमें सारे शब्द सारे वचन हिंदी में लिखे गए हैं, इसलिए ब्लैक में यानी काली शाही से लिखे गए हैं। 20 से लेकर के 39 तक लाल शाही में लिखा गया है NIV बाइबल में, यानी यीशु मसीह का खुद से बोला गया शिक्षा है। यीशु मसीह अपने चेलों को और लोगों को जो वहां मौजूद है शिक्षा को दे रहा है। और मेरी कोशिश यह है कि समय के अंदर मैं इस पूरी शिक्षा को यानी 39वें वचन तक समाप्त करने पाऊं। आइए पढ़ेंगे 20 वचन से लेकर के 23वें वचन तक। तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे नाम बुरा जानकर काट देंगे। और 23वें वचन में लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादा भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। जब इसमें जो है 4 20 से लेकर 23वें वचन तक में 4 यीशु मसीह कहता है धन्य है वो। अगर आपने नोटिस किया हो, ध्यान पूर्वक देखा हो, वो कहता है धन्य है वो जो दीन है, फिर वो कहता है धन्य है वो जो भूखे हैं, फिर वो कहता है धन्य है वो जो मनुष्य के पुत्र के नाम से सताए जाते हैं, और वो कहता है धन्य है वो जो रोते हैं। तो 4 बातों को यहां यीशु मसीह ने शुरुआत करा है अपने मैदानी उपदेश में चेलों को शिक्षा देने के लिए, उसी प्रकार से जैसे मत्ती 5वें अध्याय में वो शुरुआत करता है शिक्षा की, धन्य है वो। लेकिन दोनों ही शिक्षाएं अलग अलग जगह पर
और अलग अलग लोगों को दी जा रही है। हम दोनों को मिक्स ना करें, मिलाए ना, दोनों का अलग अलग अंतर है। क्योंकि बाइबल में मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं कहीं पर ऐसा लिखा है धन्य है वे जो गरीब है, तो आप में से कई कहेंगे कहीं नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है इस मैदानी उपदेश में, जहाँ लिखा है धन्य हो तुम जो दीन, यूनानी में जब उसका अनुवाद निकाल करके किया जाए तो इसका मतलब है धन्य है वे जो गरीब है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। और मैं जब निर्धनता की बात कर रहा हूं यहां पर, ये आत्मिक की बात नहीं हो रही है, धन की बात हो रही है। लूका में जो बात हो रही है वो धन की बात हो रही है। वो कह रहा है, यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है चेलों को कि धन्य है वो जो निर्धन है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। दूसरी बढ़कर के वो कहता है धन्य है वे जो भूखे हैं, यानी जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए भी, और हो सकता है आत्मा से भी वो भूखे हैं, वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, और वो कहता है वो तृप्त किए जाएंगे। और वो फिर कहता है धन्य है वे जो रो रहे हैं या रोते हैं, क्योंकि वो हंसेंगे, परमेश्वर उन्हें एक मुस्कुराहट देगा। आज की सुबह आप में से कितने प्रसन्न है परमेश्वर के भवन में? हालेलुया। हो सकता है पिछले हफ्ते ऐसे मौके आए जब हम परेशान थे, हो सकता है आंखों में आंसू हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग बना रहा और हम हंस कर अपने हाथों को उठा करके कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। और वो सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वचन में, जो आशीष के रूप में वो चेलों से कहता है कि धन्य है तुम जो यीशु के नाम, जो परमेश्वर के नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्या आप सताए जा रहे हैं परमेश्वर के नाम के खातिर? क्या लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते? क्या लोग आपका मजाक बनाते हैं? क्या लोग आपसे बैर रखते हैं, आपसे दूरी बना करके चलते हैं? क्यों? क्योंकि ये कलीसिया जाता है, ये मसीह का जन है। क्या लोग आपको परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, या यीशु के नाम से आप जेल जाते हैं? तो परमेश्वर कहता है धन्य है आप, क्योंकि आपका प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, ये चार आशीषें चेलों के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, और यीशु मसीह अपने चेलों से बात करने लगा। क्या आप और मैं उसके चेले हैं? पहला सवाल, इससे पहले कि मैं प्रचार में जाऊं, शुरुआत यहां से होती है। एक अंतर है एक विश्वासी और चेले में। चेला जो शब्द है उसका यूनानी शब्द है मेथाटेस, जिसका मतलब है चेला। और एक दूसरा शब्द भी बाइबल में प्रयोग किया गया है जिसका मतलब है भीड़, ऑक्लोस यूनानी में, जिसका मतलब है भीड़। क्या हम भीड़ हैं, वैसी भीड़ जो चिन्ह चमत्कारों को देखकर यीशु मसीह के पीछे चलती है, या जब तक मेरा काम हो निकल रहा है तब तक मैं यीशु के संग चलूंगा, जब मेरा काम खत्म हो गया तब मैंने यीशु का पीछा छोड़ दिया? इस बात को आप जो है चारों सुसमाचार में देखेंगे कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, और जब यीशु ने शिक्षा देना शुरू किया तो उनमें से कुछ ही चेलों के चेले और कुछ जो शिक्षा को पाना चाहते थे वहां रुके। शिक्षा के लिए कोई वहां नहीं था, सब चिन्ह और चमत्कार के लिए। क्या परमेश्वर जब मुझे चंगा करेगा तभी मेरा परमेश्वर है? क्या जब परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तभी मेरा परमेश्वर है? क्या जब परमेश्वर मेरे पास कमी है उस कमी को पूरा करेगा तभी मेरा परमेश्वर है? अगर ऐसी हमारी परिभाषा परमेश्वर की है तो हमारा कलीसिया आना और खुद को चेला कहना या विश्वासी कहना बेकार है। हम इस परिभाषा को बदल दें, क्योंकि बाइबल अनुसार चेला वो है जो स्वामी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जीवन को समर्पित कर दे, उसके अनुसार और उसके लिए जीना शुरू कर दे, वो है एक चेला। तो पहला सवाल मेरे 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 लिए और हम सब के लिए कलीसियाई रूप से ये है, क्या आप और मैं चेले हैं या भीड़ हैं? क्योंकि उस दिन बाइबल में क्या लिखा है, उस दिन मैं कईयों से कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और हम परमेश्वर से क्या कहेंगे, पर प्रभु मैंने तेरे नाम में 10,000 बपतिस्मे दिए, प्रभु मैंने इतने लोगों को सेवा में भेजा, प्रभु इतने लोगों के बीच प्रचार किया, इतने लोगों को विश्वास मिला। परमेश्वर बल्कि क्या कहेगा,
हमें और आपको, मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत रिश्ते को परमेश्वर के संग जांचने और परखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जैसे जैसे वो बाइबल में लिखा है, जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आता देखते हो, किस दिन को? उसके आगमन को, उसके दूसरे आगमन को या कलीसिया के उठाए जाने को देखते हो, निकट आते हो देखते हो, क्या करना है? एक दूसरे के संग संगति और प्रार्थना में जुड़ जाना है। अभी यहां से हम लोग कितने भी बार अनाउंसमेंट करते हैं, सूचना करते हैं, प्रार्थना प्रार्थना इतना जरूरी है कि बिना मुझे मुझे ये बताइए कि पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्हें आजाद किसने किया? किसके द्वारा? आराधना और प्रार्थना के द्वारा। जब पतरस कारागार में था कौन प्रार्थना कर रहा था? कैसे आजाद हुआ? प्रार्थना के द्वारा। और आज भी हम प्रार्थना करने का समय आता है तो क्लॉक जो होती है ना, घड़ी देखना शुरू करते हैं कि आधा घंटा हो गया है, अब मेरा इतना ही समय है परमेश्वर के साथ। मेरे प्रियो, मुझे ये नहीं पता, जब आप मूसा के संग ये चीज देखी, मुझे बड़ी पसंद है मूसा के संग, उसमें लिखा है 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के संग था। क्या खाया क्या पिया ये बाइबल में नहीं लिखा है, और मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब हम परमेश्वर के संग ऐसे एक रिश्ते में होंगे तो हमें खाने पीने की चिंता नहीं होगी, हमें एक ही चिंता होगी कि परमेश्वर आप क्या मुझसे चाहते हैं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने मुझसे फोन करके पूछा कि कैसे उससे सुने, कैसे उससे सुने, कब था वो आखिरी बार जब आपने परमेश्वर को सुना? क्योंकि मैं जब आपसे ये पूछूं कि आखिरी बार कब था जब आपने परमेश्वर से बात करी, तो बोलेंगे अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक लिस्ट, एक सूची बना करके उसके सामने हर दिन रखते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आशीष चाहिए, इसको चंगा कर दीजिए। जैसे परचून की दुकान पर जब सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक लिस्ट देते हैं, मुझे ये और ये, और परमेश्वर के सामने भी एक लिस्ट हम डाल देते हैं। लेकिन उल्टे हाथ पर हम ये नहीं समझते परमेश्वर ने हमारे लिए एक लिस्ट बना रखा है। वो लिस्ट क्या है? पहले ये, ये और ये तेरे जीवन में पूरा हो जाए और जो कुछ तुझे चाहिए वो अपने आप पूरा हो जाएगा। यही तो लिखा है ना बाइबल में, पहले परमेश्वर और उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज कर, और जिस भी बात की तुझे आवश्यकता है, जो तुझे चाहिए, ये नहीं लिखा है, लिखा है जिस भी बात की आवश्यकता है। चाहिए तो हमें बहुत कुछ, लेकिन लिखा है जिस भी बात की तुझे जरूरत है, आवश्यकता है, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें विश्वासी होने के लिए नहीं, चेले होने के लिए बुलाया है, और एक चेला ही चेले को उत्पन्न कर सकता है, कलीसिया ही कलीसिया से बढ़ेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? कलीसिया को अगर बढ़ना है तो वो आपसे होगा, और एक चेला ही है जो चेले को उत्पन्न करेगा, और एक विश्वासी एक विश्वासी को उत्पन्न करेगा। इसलिए आज की सुबह अगर आप और मैं ये समझ जाएं कि हम चेले होने के लिए बुलाए गए हैं, भीड़ नहीं। विश्वास तो हम सब करते हैं, लेकिन विश्वास के आगे क्या है? चेला बनना के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। चार आशीषों को वो चेलों के लिए बोलता है, और ये मानवीय सोच को बदल देता है। अभी आज के दिन अगर आप ये किसी बाहर के व्यक्ति से बोलेंगे, अरे तू धन्य है कि तू गरीब है, तो वो आपसे पलट के क्या कहेगा? मूर्ख मूर्ख के लोगों की तरह बात मत कर, मुझे पैसा कमाना है, है ना, मुझे पैसा चाहिए। और यहां पर जो सांसारिक आयाम है और जो स्वर्ग का व्यवस्था है वो बिल्कुल उलट पलट है। संसार कहता है जब तेरे पास पैसा है तो तू धनी है, लेकिन स्वर्ग कहता है जब तेरे पास कुछ नहीं है तो फिर भी धनी है। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आज के दिन आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुझ में धनी हूं। हालेलुया। संसार कहता है कि तू भूखा है तो मांग, क्या है भूखा है तो खाना ले और मांग, और परमेश्वर स्वर्ग क्या कहता है? तू और भूखा हो ताकि मैं तुझे और स्वर्ग की आशीषों से तृप्त कर दूं। संसार कहता है अरे दुख में क्यों जी रहा है, रो क्यों रहा है, हंस, और स्वर्ग कहता है अरे तू रो ताकि मैं तुझे अपना स्वर्ग आशीष दूं। हालेलुया। और संसार कहता है क्यों सताया जाता है, क्यों परेशान में, क्यों पीड़ाओं से होकर के निकलता है, छोड़ दे इन सब बातों को, और स्वर्ग कहता है इनसे हो करके निकल क्योंकि मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। तो ये आशीषें सिर्फ चेलों के लिए है और वही समझ सकते हैं मेरे प्रियो, संसार इन बातों को नहीं समझेगा। क्योंकि आज के दिन आप में से कुछ लोग मेरी गवाही जानते हैं, जब
मैंने नौकरी छोड़ करके बाइबल कॉलेज जाने का निर्णय लिया, सबसे पहले मेरी मम्मी मुझसे बड़ा नाराज थी। उसके बाद मेरे दोस्त जो मेरे संग थे उन लोगों ने मुझे पलट करके बड़ा मजाक उड़ाया और कहा कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके, तू जॉब छोड़ करके क्या करने जा रहे हो? पादरी बनने के लिए जा रहे हो, राइट? हमारा सोच क्या है, सांसारिक रीति से हम वो देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आज भी उनसे यही पलट के कहता हूँ, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो कोई चुरा सकता है, जो मेरे पास है वो कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। क्या आपसे आपकी शांति कोई चुरा सकता है? क्या स्वर्गीय आशीष जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए कोई आपसे ले सकता है? वो स्वर्ग का बड़ा प्रतिफल जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, क्योंकि जो आप उसके नाम के खातिर सताए जाते हैं, पीड़ा से होकर के निकलते, कोई आपसे ले सकता है? लेकिन संसार कहां तक सीमित है? यहीं तक। मुझे कई बार ये नहीं समझ में आता, कई लोग, और ये दुख है कि कई विश्वासी भी ऐसे जी रहे हैं जैसे उन्हें हमेशा इस पृथ्वी पर ही रहना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 70, ज्यादा से ज्यादा 80, लेकिन उसके बाद कहां जाएंगे? क्या मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं अपना समय, अपना परिश्रम, अपना पैसा मैं कहां लगा रहा हूं, क्या वो मेरी ख्वाहिशों को पूरे करने में है या परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है? क्या मुझे हमेशा इस पृथ्वी पर रहना है? जैसा बाइबल में लिखा है ना, जब वो तुरई फूकी जाएगी यीशु मसीह का आगमन, तो कुछ होंगे जो यहीं रह जाएंगे, और वे जो प्रभु में अभी सो गए हैं और जो प्रभु में अभी भी जीवित है और विश्वास में, उसके संग उठा दिए जाएंगे। तो चुनना मुझे और आपको, हम किस समूह का भाग बनना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ये आशीषें उन्हीं के लिए, चार आशीषें जो चेले हैं। उसके आगे बढ़कर छठे अध्याय में 24 से 26 में चार बार यीशु मसीह हाय शब्द का प्रयोग करता है। हाय, पहले धन्य है, आशीषें, फिर वो कहता है हाय हो अगर तुम्हारे संग ऐसा हो रहा है। 24 से 26 तक, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे होगे, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहेंगे क्योंकि उनके बाप दादा झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। चार बार, जिस प्रकार से चार बार आशीष है, अब यीशु मसीह चार बार हाय को बोल रहा है। कहता है कि हाय है तुम पर, उन पर जो धनवान है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना आराम इस पृथ्वी पर खरीद लिया पैसे से। उन्हें लगा कि उन्होंने पैसे से सारा यहां खरीद लिया, वहां की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो आगे कहता है, वो यहां पृथ्वी पर भूखे थे और उन्हें तृप्त कर दिया गया, इसलिए अब उन्हें उनकी भूख और तृप्त नहीं करी जाएगी। उसके बाद वो कहता है, बड़ा ही सरल और चलता है वाला जीवन उन्होंने जिया, केयर फ्री कहते हैं ना जिसको, किसी बात की चिंता नहीं, उस तरीके से जिया और हंसी मजाक करते रहे, इसलिए अब उनका रोना ऊपर होगा। ये मैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में ये साफ साफ लिखा है, उस दिन वे लोग रोएंगे और परमेश्वर से, पहाड़ से कहेंगे, पहाड़ मुझ पर गिर और मुझे छुपा ले, और पहाड़ उनसे पलट कर क्या कहेगा, मैं तुझे कहां छुपाऊं इस परमेश्वर के न्याय से। ये उनके लिए परमेश्वर लिख रहा है। और आगे लिखता है यूनानी भाषा में जो चौथी बात हाय लिखी, हाय हो तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हारे विषय में भला कहें, यानी मनुष्य तुम्हारे विषय में, तुम कैसे प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हो, सारे मनुष्य तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन तुम सच से बहुत दूर हो। जो कि मुझे इस बात पर लाता है, आज के दिन के जो मॉडर्न प्रचारक जो हैं, और मुझे इस बात को कहने में कोई दुख नहीं है, मैं बड़े हियाव और साहस के संग इस बात को कहता हूँ, आप में से कितनों ने बाइबल में इसको देखा है कि यीशु मसीह ने किसी को धक्का दिया और वो गिर गया? किसी को देखा आपने यीशु मसीह को देखा ऐसे करते हुए? नहीं देखा ना। कितनों ने ये देखा कि यीशु मसीह ने 10 मिनट का प्रार्थना किया हो? जब भी उसने किसी के लिए प्रार्थना किया, उसने सिर्फ इतना कहा, चंगा हो जा, शुद्ध हो जा, सिर्फ इतना ही काफी था। और उसके बाद अपने चेलों से कहा, जो मैंने किया उससे कहीं बढ़कर तुम करोगे। इसका उदाहरण भी प्रेरितों के कार्य में है, लिखा है पौलुस की परछाई जब किसी के ऊपर गिरती थी वो चंगा हो जाता था, पतरस की परछाई, पतरस निकल रहा, यहूदा और पतरस वो सुंदर नामक फाटक से निकल रहे हैं, और वो क्या हुआ, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते, यीशु के नाम में उठ, खड़ा हो और चल। वो चलने लगा। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई धकेला
नहीं, आज के दिन ये प्रसिद्धि क्या हो रही है कि ढकेलना भी है गिरना भी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अगर पवित्र आत्मा का काम है तो बिना छुए भी इंसान गिर जाएगा, हालेलुया। लेकिन हमें प्रसिद्धि के पीछे, मुझे प्रसिद्धि के पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि चंगाई देने वाला कौन है। इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है इस बात को इस वेदी से कहते हुए, क्योंकि ये बाइबल की शिक्षा है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसे भी अपने आप को जांचना है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे भी अपने आप को जांचना है और जांचना परखना है कि क्या मैं बाइबल के अनुसार इन बातों को कर रहा हूं, क्या बाइबल ये सिखाता है, या जो मॉडर्न डे आज के आधुनिक समय के जो प्रचारक है उनको टीवी से देखकर मैं भी कॉपी करना चाहता हूं कि रुमाल मार रहे हैं तो लोग गिर रहे हैं, देखते हैं ना, और वो फूंक मारते हैं तो लोग गिर जाते हैं। ये सारी चीजें बाइबल में मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना देखा एक साधारण सी प्रार्थना और व्यक्ति चंगा हो गया। यजीकियल नबी ने 3 बार प्रार्थना किया विधवा के बेटे ने, 3री प्रार्थना में वो जीवित हो। कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हियाव के संग करते रहे इसका। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के पीछे दौड़ेंगे, प्रसिद्धि के पीछे दौड़ेंगे, जैसे इस पर लिखा है, हाय है तुम पर, क्योंकि तुमने अपनी प्रसिद्धि को इस पृथ्वी पर पा लिया, परमेश्वर अब तुम्हें नहीं पूछेगा। और इसलिए मुझे भी एक पासवान होते हैं, मुझे दुगना अपने आप को जांचना और परखना है कि मैं इस गलती को ना करूं जितना मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए विश्वासी हो, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, हमारी समस्या ये है। लेकिन पहला यूहन्ना 4:7 से अगर आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, मेरे भाइयों हर आत्मा पर विश्वास मत करो, लेकिन हर आत्मा को जांचो और परखो कि क्या वो यीशु की ओर से है या नहीं। पहला यूहन्ना 4:7, आप इसको जाइए घर पर पढ़िए और इसके आधार पर शिक्षाओं को देखिए। मैं ये नहीं कहता यूट्यूब पर मैसेजेस को मत सुनिए, प्रचारकों को फॉलो मत करिए, उनकी बुक्स को मत पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो कुछ करें उसका आधार ये होना चाहिए, हालेलुया। अगर वो प्रचारक प्रचार कर रहा है, अगर उसका आधार यहां से जरा भी हिल रहा है, उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए, वो इस बाइबल के अनुसार नहीं है। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है यहूदा की पत्री में कि उनमें से कई मसीह के नाम में तुम्हारे 20 आग घुस बैठे हैं, ये शब्द है वहां पर, आग घुस बैठे हैं, यानी उनकी शक्ल मसीह की है लेकिन अंदर वो क्या है, लोमड़ी है, वो जानते हैं आपको कैसे अलग करना है, भेड़िए, ये शब्द प्रयोग किए गए हिंदी में। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर उनके लिए लिखता हाय है ऐसे लोगों पर जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रतिफल इस पृथ्वी पर पा लिया है, उनका प्रतिफल उस स्वर्ग में नहीं है। होने दें इन पहली 4 आशीषों के हम भागी बने और इन 4 हायों से सावधान रहें, समझ रहे हैं। उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। इन आशीषों और इन हाय के द्वारा यीशु मसीह क्या सिखा रहा है, यीशु मसीह यह सिखाना चाहता है कि जो संसार का मापदंड है वो स्वर्ग का मापदंड नहीं है, क्योंकि संसार के मापदंड के अनुसार जो आगे हैं वो आगे हैं, लेकिन स्वर्ग के मापदंड के अनुसार जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, हालेलुया। संसार कहता है वही वो जहां से वापस मिलेगा, और स्वर्ग कहता है वहां वो जहां वहां से कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप। संसार कहता है कि जब डॉक्टर्स दवाइयां देंगे तभी आप चंगे होंगे, लेकिन बाइबल कहता है जब मनुष्य और डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे तब मैं चंगा करूंगा, हालेलुया। आप में से कितने इस बात की गवाही यहां बैठे हुए हैं, मेरा बेटा जो कि अभी 2 साल का होने वाला है इस बात का गवाही है। अगर आपको गवाही पता हो, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसको कोई डॉक्टर कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास ये था कि आज के दिन से हम किसी डॉक्टर को इसे टच नहीं करने देंगे। मैंने अपनी वाइफ से कहा तुम्हारे कोई भी गर्भ का वैसी जांच नहीं की जाएगी जिससे बच्चे को गिराने की यानी अबॉर्शन करने की सलाह दी जाए, और हमने 9 महीने तक विश्वास के संग उस प्रार्थना के उत्तर का इंतजार किया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो असंभव था डॉक्टर्स के लिए, विज्ञान के लिए, उसको विश्वास से संभव किया, हालेलुया। संसार कह रहा था कि इसको हटा दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं परमेश्वर हम रखेंगे क्योंकि ये तेरी ओर से, तू इसे चंगा करेगा, हालेलुया। 90% चांसेस थे कि मेरा बेटा पागल कर जाए। ये डॉक्टर्स, मेरी पत्नी को भली भांति पता है क्योंकि मेडिकल जेनेटिक्स की ही है, 90% अगर लड़का होगा तो पागल पैदा होगा। आप मेरे हृदय की जान नहीं सकते किस परिस्थिति में, जो माँ बाप है वही समझ सकते हैं।
और जब मैंने टूट कर परमेश्वर से ये वाचा बांध ली कि परमेश्वर तू चंगा करेगा इस बच्चे को, हम कुछ नहीं करेंगे, 9 महीने बाद जब वो 3 महीने का हो, मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी से यही कहा, सबसे पहले इसके सारे जेनेटिक टेस्ट कराओ ताकि तुम्हारे डॉक्टर्स को ये पता चलने पाए ये वही बच्चा है जिसके लिए उन्होंने ऐसा कहा था और परमेश्वर ने इसे चंगा किया। हालेलुया, संपूर्ण रीति से चंगा हुआ। जब संसार कहता है संभव है, डॉक्टर्स कहते हैं असंभव है, तब परमेश्वर कहता है संभव है। हालेलुया, विश्वास करना सीखे, विश्वास करना सीखे। सिर्फ विश्वासी कहलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। कहना कि मैं एक विश्वासी हूं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की, कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस विश्वास के आधार पर प्रतिदिन जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यीशु ने कहा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया, वो क्या कहता है, कहता है आग से होकर के तो तुम निकलोगे लेकिन उस आग में भी मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, वो 3 इब्रानी जो आग में फेंके गए उनसे पहले 4th वहां कौन मौजूद था, और मानो वो बगीचे में टहल रहे, ऐसा लिख रहा था वो, उसके सैनिकों ने आकर उसको बताया कि राजा मानो लिखता है 4 टहल रहे हैं, यानी आग का कोई असर उनके ऊपर नहीं था। जब दाऊद के पीछे खुद इसराइल का राजा उसकी जान लेने के पीछे पड़ा था, तब परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। क्यों पता आपको, ये आप बाइबल में पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। उसने कहा जब दाऊद के पास ये मौका था कि वो साउल को मार दे, तब उसने क्या कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर कैसे अपना हाथ उठाऊं, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने 13 साल की उम्र में मुझे अभिषेक किया है उसी परमेश्वर ने साउल राजा को भी अभिषेक किया है, अगर मैंने अपना हाथ इसके ऊपर उठाया तो परमेश्वर अपना हाथ मेरे ऊपर उठाएगा। हालेलुया, इसीलिए वो कहता है धन्य है वे जो मेरे नाम के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि जो आपको हाथ उठा रहे हैं वो आप पे हाथ नहीं उठा रहे, किस पर हाथ उठा रहे, यीशु मसीह पर। इसलिए यीशु मसीह शिक्षाओं के द्वारा क्या बताना चाह रहा है, जो मेरा आयाम है वहां की व्यवस्था, वहां का कानून, वहां का नियम कुछ अलग है। भले ही संसार में तुम पीछे हो, लोग तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम गरीब हो, तुम भूखे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उस स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, लेकिन दूसरे हाथ पर ये भी शिक्षा दे रहा है कि हाय है उन पर जो इस पैसे के पीछे भागते हैं, इसके आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रसिद्धि का जीवन जीना चाहता है, उन लोगों ने अपना प्रतिफल इस पृथ्वी पर पा लिया है। मेरे प्रियो, हमें अपने आत्मिक आयाम को बदलना पड़ेगा, या तो हम पृथ्वी के कानून व्यवस्था के अनुसार जी ले, या तो परमेश्वर की व्यवस्था आत्मिक आयाम के संग जी ले। आइए आगे बढ़े, इसके बाद 27-31 यहां पर 7 आज्ञाएं यीशु मसीह देता है, 7 आज्ञाएं 27-31 7 आज्ञाएं मैं पढ़ने जा रहा हूं, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, क्षमा करिएगा मैं 27-31 परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। पहली आज्ञा जो कहता है, नए नियम में, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी, मैदानी उद्देश्य में 7 आज्ञाएं हैं, आप पढ़िएगा। पहली आज्ञा क्या है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मुझे नहीं पता हम में से कितना ऐसा कर पा रहे, ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और मैंने एक बहुत बढ़िया गवाही एक हमारे विश्वासी की सुनी थी प्रार्थना के दिनों में, कि कैसे उनकी एक परिवार की ही जन थे जिनसे उन्हें बड़ा बैर था, उनके साथ वो बैठ नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जब इस वचन को बढ़ा था परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला और उनने उसी दिन से उस व्यक्ति को आशीषित करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका रिश्ता अच्छा होता चला गया और आज के दिन वो साथ में बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, वो रिश्ता अच्छा हो गया। और यहां पर पहली आज्ञा है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हम में से कौन कौन शत्रुओं से प्रेम रख सकते हैं? संसार क्या कहता है, जो शत्रु है उसे शत्रुता बना के रखो, अगर वो तुमसे 10 मीटर दूर है तो मुझसे 20 मीटर दूर रहो। और यीशु मसीह का व्यवस्था क्या कह रही है, कानून क्या कह रहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। क्या आपके जीवन में कोई शत्रु है? हो सकता है आपका सबसे सच्चा मित्र आपके विपरीत हो गया हो सकता है वो आपका शत्रु हो गया, के परिवार के लोग आपके शत्रु जैसा आपके संग व्यवहार करते हो, यीशु मसीह कहता है उनसे प्रेम करो, क्योंकि हमारा प्रेम, जब हम यीशु मसीह के प्रेम को उनको दिखाएंगे उनका स्वभाव बदलता चला जाएगा। दूसरी आज्ञा, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो।
डू गुड टू दोज हू हेट यू, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। यानी जो तुमसे बैर रख रहे हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुमसे शत्रुआ रखते हैं, उनसे कह संग क्या करो, तुम उनकी भलाई करो। यानी अगर उनके घर में कुछ ना हो खाने के लिए, तुम जाओ और तुम दे दो। समझ रहे हैं? ये संसार का आयाम नहीं है, ये यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है यहाँ पर। और सिर्फ यीशु मसीह ही ये बोल सकता है, क्योंकि ऐसा ही जीवन उसने जिया इस पृथ्वी पर। और चेलों को सिखा रहा है, संबोधित करते हुए कहता है, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके लिए तुम भलाई करो। यानी अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपसे घृणा करते हैं, और आपको पता है मुझसे घृणा करते हैं, आप फिर भी उनके लिए भलाई करिए, फिर भी उनके लिए भलाई करिए। तीसरी आज्ञा, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, ब्लेस दोज हू कर्स यू। जो तुम्हें श्राप दें तुम उन्हें आशीष दो, यानी जो तुम्हें गाली गलौज करें, जो तुम्हें श्राप दें, उल्टा सीधा बोले, तुम उन्हें पलट करके क्या करो, आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष दे। कई बार ये सारी चीजें हम लोग सोचते काश बाइबल में ना होती, काश ये शिक्षाएं बाइबल में ना होती, लेकिन ये कठोर शिक्षाएं और सिर्फ चेले इनके अनुसार चल सकते हैं। चौथी आज्ञा, प्रे फॉर दोज हू अब्यूज यू, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारा शोषण करते हैं। यानी क्या, वो जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए ये प्रार्थना मत करो, परमेश्वर अपनी आग ऊपर से गिरा उन्हें जला दे। जैसे चेलों ने कहा ना, सामरी गांव से जाते हुए, परमेश्वर देख इन्होंने तुझे रहने के लिए अंदर आने नहीं दे रहे, तू आज्ञा दे तो हम स्वर्ग से आग गिरा कर इनको जला दे। परमेश्वर ने कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, परमेश्वर पिता तो चाहता ये भी बचा लिए जाए। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कर, हम भी कई बार चेलों के समान ना, यीशु मसीह के नजदीक होते हुए भी, यीशु मसीह के संग चलते हुए भी, देखते हुए भी, कई बार आत्मिक रूप से हम अंधे हैं। शारीरिक रूप से हमारी आंखें सही हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अभी भी हम वही बातों को कर रहे हैं। यीशु मसीह को जानते हुए भी, वचन को पढ़ते हुए भी, कई बार चेले भी ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है जो हमारा सताव करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, जो कलीसिया का सताव करते हैं। क्या हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर अपनी आंख को गिरा और इन्हें जला दे, इन्हें मार दे? नहीं, परमेश्वर तू एक ऐसे हियाव, तू एक ऐसे बेदारी को लेकर के आ, ताकि ये लोग भी घुटने पर आ जाएं और इस बात का अंगीकार करें कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, मेरी तो यही प्रार्थना है परमेश्वर, कि जितने, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये सभा ऑनलाइन है, जितने भी ये समूह हैं जो मसीहों का सताव करते हैं, उन सब के बीच एक ऐसी बेदारी आ जाए कि ये सब घुटनों पर आ जाए और परमेश्वर की महिमा करे। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। पांचवी आज्ञा, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो और दूसरा पे भी मार दे तो फिर आगे कुछ नहीं लिखा है ना। हम में से कईयों का तर्क ये है, कई लोग लॉजिक यूज करते हैं ना, तर्क यूज करते हैं, तर्क लॉजिक इज तर्क लगा के क्या कहते हैं, कोई एक गाल पर, यीशु मसीह ने कहा कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा दे दो, और दूसरे के बाद नहीं बताया यीशु मसीह ने, तो हम लड़ सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह सिद्धांत ये बना रहा है, अगर कोई तेरे एक गाल पे मारे तो जब दूसरा देगा तो वो इस बात को सीखेगा कि तूने पहले ही बार उसको क्षमा कर दिया है। वो ये सिद्धांत नहीं बता रहा है कि दूसरा तुझे पड़ेगा तो तू आज तीसरे पे क्या करना हो, ये बता रहा है जब तू पहली बार वो मारेगा अगले की क्या अपेक्षा होगी कि आप भी पलट करके मारोगे, लेकिन जब आप दूसरा आगे करोगे ना उसके अंदर परिवर्तन शुरू होगा, वो दिखाएगा कि आपने पहले भी उसको क्षमा कर दिया। पांचवी आज्ञा, उन्हें उदारता से दो जो तुमसे मांगते हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ी गलतफहमी दूर कर दूं, हर कोई जो आपसे मांगता है उन्हें उदारता से नहीं देना है। बाइबल में यूनानी, इसका जब ट्रांसलेशन किया जाता है, इसका मतलब है हर उसको जिसको आवश्यकता है, जरूरत है, उदारता से दो। जिसको आवश्यकता है, कोई गरीब है, कोई नीड है, कोई आवश्यकता है, उसे उदारता से दो, उसको दो। कईयों के पास ये सवाल हो सकता है, बाइबल में लिखा है उदारता से दो और वापस मत मांगो। नहीं नहीं नहीं, बाइबल ये सिद्धांत यहां पर, किसी के बीच अगर जरूरत है, कोई गरीब है, उसे उदारता से दो, जितना तुमसे हो सकता है, उदार हृदय से उसकी सहायता। सातवीं आज्ञा, दूसरों के संग वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे संग किया जाए। डू वॉन्ट टू अदर्स वॉट यू वॉन्ट अदर्स टू डू टू यू।
अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपका आदर करें तो आप भी दूसरों का आदर करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको आगे जाकर के जैसे इसमें लिखा है ना क्षमा करें तो आप भी दूसरों को क्षमा करें। अगर आप चाहते हैं दूसरे आपसे घृणा ना करें तो आप भी घृणा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे आपका न्याय ना करें आप भी दूसरों का न्याय ना करें। सात आज्ञा, मैं तो कहूँगा सात महान आज्ञा यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को दी है। 27 से 31 सात आज्ञाएं यीशु मसीह चेलों को देता है। एक बार फिर से थोड़ा दोहराऊं, चार आशीषें, चार हाय, फिर सात आज्ञाएं। अपनी शिक्षा में यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है चेलों के लिए। अब अंतिम भाग में आकर के वो कहता है 37 से 38 में चार कानून को देता है चेलों को, चार कानून 37 और 38 में। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन मुझे बड़ा देने के समय जो है इसमें लिखा है जैसे दबा दबा करके, और जैसे किसी को अगर आपने किसी किसान को देखा हो गेहूं अगर बोरी में भरता है तो बोरी को खूब हिला करके दबा, जितना ज्यादा उस बोरी या कट्टे के अंदर आ जाए वो चाहता है। तो यहाँ पर वही सिद्धांत को बता रहा है यीशु मसीह सिखाना है, जब दो तो ऐसी उदारता से दो कि उसी नाम से तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। चार कानून वचन के इस भाग में, या चार बेसिकली कानून चेलों को यीशु मसीह दे रहा है। पहला प्रतिफल का कानून, 37 और 38 में प्रतिफल का कानून क्या कहता है, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें दिया जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, यानी जैसा तुम बोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें दिया जाएगा। जब विश्वास प्रतिज्ञा की बात आती है, अब हम लोग कलीसिया में विश्वास, उसको विश्वास इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो है नहीं, लेकिन हमारे पास विश्वास है कि हम देंगे। हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो उसको मत कहिएगा, फिर वो भी एक दूसरी भेंट के समान हो जाएगा। विश्वास प्रतिज्ञा का मतलब हुआ एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसकी जो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। क्योंकि विश्वास क्या है, विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण, जो बातें हुई नहीं देखी नहीं वो मैंने आप देख, मैं पहले से जानता हूं परमेश्वर ने कर दिया है, ये है विश्वास। मैं चंगा हुआ नहीं हूं लेकिन मुझे विश्वास है परमेश्वर ने चंगा कर दिया है और मैं उस विश्वास से उसे आगे देखूंगा। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं इंस्टेंट, हम लोग इंस्टेंट वाले में रह रहे हैं ना, तुरंत 2 मिनट मैगी नूडल, 2 मिनट हर चीज 2 मिनट में चाहिए, और कई बार हमको चंगाई भी इंस्टेंट चाहिए, प्रार्थना का उत्तर भी इंस्टेंट चाहिए, परमेश्वर की योजनाओं को भी इंस्टेंटली जानना, ऐसा परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता, नहीं चलता। आप देख लीजिए बाइबल उठा करके, दाऊद 13 साल में अभिषेक किया गया और 33 साल की उम्र में नियुक्त किया गया, गद्दी पर बैठाया गया। 20 साल के बाद परमेश्वर का जो समय है वो कुछ अलग रीति से चलता है। अभिषेक 13 साल की उम्र में और नियुक्ति 33 साल की उम्र में, 20 साल वो परमेश्वर का इंतजार किया कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा मैं जानता हूं तूने मुझे राजा ठहराया तू मुझे बैठाएगा। 20 साल। तो पहला कानून जो परमेश्वर चेलों को सिखा रहा है प्रतिफल का कानून, जैसा तुम बोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, जिस नाप से तुम दोगे उस नाप से तुम्हें दिया जाएगा। हम किस नाप से देते हैं, ये सवाल हम सब के लिए है। क्या जब मैं और आप देते हैं तो हम सच में ऐसे देते हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, सबसे उत्तम दे रहे हैं? क्योंकि अगर पुराने नियम का अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम ही परमेश्वर के खजाने में आ सकता था। पहली फसल का सबसे उत्तम, पहले भेड़ बकरियों का सबसे उत्तम, बलिदान में सबसे उत्तम। और जहां उन्होंने इसमें गड़बड़ी करी, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से बात किया कि मुझे तुम्हारी भेंटें नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे दिल को जांचता हूं। जब साउल ने वो भेड़ बकरियों को लाकर सैमुअल से कहा, सैमुअल नबी से कहा मैं तो इसको परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए, तब उसने क्या कहा, परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है बलिदान नहीं। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हम 10 लाख दे रहे हैं या 10 रुपए दे रहे हैं,
वो ये देख रहा है कि ये 10 रुपए या 10 लाख किस हृदय से हम दे रहे हैं। हो सकता है जैसे आज देने के समय जब भेंट ली जाती है हम बड़े आनंद के संग दें, इसीलिए मैं जब प्रार्थना में करता हूं ये एक आनंद का मौका है। किस लिए? क्योंकि क्या मैं और आप सच में परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? मेरे पास आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है। अगर आप और मैं अभी सांस भी ले रहे हैं ये भी परमेश्वर की है, ये उसका अनुग्रह है। अगर वो चाहे और 2 सेकंड के लिए सांस को वापस ले, क्या आप और मैं जीवितों की भूमि पर पाए जाएंगे? तो क्या इस बात के लिए तो हम उदार हो सकते हैं उसको धन्यवाद करने में कि परमेश्वर कम से कम तूने मुझे जीवन दिया है? उसका धन्यवाद करना सीखे उदारता के संग। आराधना करें उदारता के संग करें, दे उदारता के संग दे। कलीसिया में आए एक उदारता आनंद से भरा हुआ उदारता से भरा हुआ हृदय के संग कलीसिया में प्रवेश करें। जब दे तो ऐसे दे कि मानो अपना सबसे उत्तम देते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उस हृदय को भी जानता है। परमेश्वर उस हृदय को भी जानता है। क्या नहीं है तो क्या परमेश्वर नहीं जानता है? सब कुछ उसी का है। कई बार मेरे पास भी नहीं होगा, नहीं है कई बार मेरे पास भी नहीं है, तो क्या मैं दुखी हूं? नहीं, परमेश्वर मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी आराधना सबसे उत्तम तुझे दूंगा, मेरा धन्यवाद तेरे लिए सबसे उत्तम होगा, मेरा तेरी उपस्थिति में खड़ा होना सबसे उत्तम होगा, जो मैं दे सकता हूं वो तो सबसे उत्तम दूं। हालेलुया। देने का नियम या देने का कानून, जैसा हम बोएंगे वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए भी हमें वापस देगा। जैसा हम दूसरों नाप करके, जिस नाप से हम देंगे उस नाप से परमेश्वर हमें वापस देगा। दूसरा कानून 39 और 40 में, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई शुद्ध सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। यहां पर अगुवाई का कानून है, अगुवाई का यानी ये मायने रखता है कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जिसके पीछे आप चल रहे हैं जहां वो जाएगा वहां आप भी जाएंगे, जो वो करेगा वो आप भी करेंगे, और जहां वो गिरेगा वहां आप भी गिरेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं किसी प्रचारक के पीछे चलने से अच्छा यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। हालेलुया। किसी को सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि मैं उसका फॉलोअर हूं, हम किसी के फॉलोअर नहीं है। अगर हमें बुलाया गया सिर्फ एक का फॉलोअर होने के लिए, एक का अनुयायी, एक का चेला, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम यीशु मसीह के पीछे हो ले तो ना हम गिरेंगे और ना वो हमारी गलत जगह अगुवाई करेगा। यहां पर अगुवाई का कानून यीशु मसीह सिखा रहा है, जिसके पीछे तुम चलोगे जहां वो जाएगा वहां तुम जाओगे, जो वो करेगा वो तुम करोगे। सही बात है। इसीलिए भजन संहिता 1 में क्या लिखा है, धन्य है वे लोग ना चलते ना खड़े होते ना बैठते, 3 चीजों को वहां कहा गया है, पहले चलना फिर उठना बैठना शुरू हो जाएगा उनके संग। तो परमेश्वर बड़े ध्यान इस चीज को हम अपने जीवन में बना करके रखें कि किसको हम फॉलो करते हैं, किसके पीछे हम चलते हैं। क्या मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं या मैं किसी प्रचारक के पीछे चल रहा हूं? क्योंकि जिस दिन वो प्रचारक गिरेगा उस दिन आपका विश्वास भी गिर जाएगा। उदाहरण अगर आपको दूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लेता हूं, डॉक्टर रवि सैकंड्स, बहुत ही बढ़िया स्कॉलर, और मेरे पास खुद उनकी कितनी सारी बुक्स हैं, मैं खुद मेरा फेवरेट्स, मेरे पास खुद उनकी बहुत सारी बुक्स हैं अपोलोजेटिक्स की। लेकिन जब वो इंटरनल कमेटी की जब इंक्वायरी हुई शोषण को लेकर के, अगर आपने न्यूज में पढ़ा हो तो कईयों का विश्वास चकनाचूर हो गया कि अरे डॉक्टर रवि तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो लोग ऐसे चल रहे थे तो ऐसे मुड़ गए। जब हम मनुष्य के पीछे चलेंगे तब हमारा विश्वास टूट सकता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। हालेलुया। इसलिए दूसरा नियम है अगुवाई का नियम, यीशु के पीछे हो लीजिए। यीशु मसीह यहां पर यह कहता है, बड़ा बढ़िया उदाहरण, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा सकता है? तो ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसे अगुवे को चुन लो जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। भजन संहिता 23, सच्चा चरवाहा मैं ही हूं। यहोना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, सच्चा चरवाहा मैं ही हूं। वो कहता है मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें हरी चराइयों की ओर, उस जीवन जल की ओर ले जाऊंगा
जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए होने दे, मनुष्यों को पीछे चलना बंद कर कर हम यीशु मसीह के पीछे हो ले। हालेलुया। तीसरा कानून 41 और 42, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों नहीं देखता और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दू। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। तीसरा कानून है दृष्टिकोण का कानून। दृष्टिकोण, हम दूसरों को किस नजरिए से देखते हैं। हमें दूसरों के अंदर कमियां दिखाई देती हैं, दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं, दूसरों के पाप दिखाई देते हैं, दूसरों की खामियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता। यीशु मसीह कह रहा है अपनी कमियां तुम्हें नहीं दिखाई देता। उसके बाद एक शब्द उसने प्रयोग किया, बहुत ही कठोर शब्द। यीशु मसीह कहता है कपटी, जिसका यूनानी ट्रांसलेशन है पाखंडी, हिपोक्रेट, पाखंडी, हे पाखंडी, तुझे अपनी आंख का नहीं दिखाई देता है, तुझे अपने अंदर की खामियां नहीं दिखाई देती है और तू दूसरों की बुराइयां करता है। तीसरा कानून चेलों के लिए, हम सब के लिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढने से अच्छा है हम अपने अंदर की कमियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह से कहें, परमेश्वर मेरी सहायता कर इन कमियों को ऊपर आने में। दूसरों के अंदर की बुराइयां ना ढूंढें, दूसरों के अंदर की खामियों को ना ढूंढें, अपनी खामियों को पहले देखें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी सहायता कर इनसे बाहर निकलने में। और हाँ, फिर उसके बाद परमेश्वर आपकी सहायता भी करेगा। अगर कुछ को सहायता की जरूरत है, जिनके अंदर कमियां हैं, तो बिल्कुल परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन पहले शुरुआत आपसे होनी चाहिए कि मेरे अंदर जो कमी है परमेश्वर, पहले मैं अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपनी बुराइयों को देखने पाऊं, ना कि दूसरों की बुराइयों को। मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि समय जा रहा है। चौथा और अंतिम कानून फसल का कानून 43 से 45 तक। क्योंकि अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना छड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। चौथा कानून जो चेलों को बता रहा है यीशु मसीह, वो है फसल का। फसल का यानी जो तुम पेड़ बोओगे या लगाओगे, वैसा ही पेड़ या वैसी ही फसल उस खेत में, वैसा ही फल आएगा। अगर तुम्हारे भीतर अच्छी बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, तो वही बातें फल के रूप में बाहर आएंगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो बातें नहीं, दूसरी कड़वाहट है, जलन है, क्योंकि आत्मा का काम क्या है, आत्मा का फल क्या है, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में 21-22 में शरीर के काम और आत्मा का फल, दोनों चीज वहां मौजूद है। तो अगर आपने सही जगह जड़ पकड़ा है तो आपका फल क्या है, प्रेम, शांति, धीरज, संयम, आपको पता है फल एक ही है, 9 गुण। लेकिन अगर आपकी जड़ आपने गलत पेड़ बोया है तो क्या आएगा, बैर, झगड़ा, लड़ाइयां, और अभी भी गालियां निकल रही हैं, लेकिन आप विश्वास में हैं। उसी मुंह से जय मसीह भी कर लेते हैं, उसी मुंह से गाली भी चलती है। हमें कई तो मुझे देख करके बड़ा हंसी भी आई। एक दिन एक फ्यूनरल में गए थे, फ्यूनरल करके मैं बाहर लौट रहा था, तो 2-3 अच्छे, जिसको कहते हैं ना खानदानी मसीह, मतलब मसीह में ही पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ मसीह में, बाहर सिगरेट चल रही है। और हम मसीह हैं, प्राउडली हम कहते हैं हम मसीह हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो ऐसों के लिए यीशु मसीह लिखता है, हे कपटी, पहले अपने आंख का लट्ठा देख। अब मुझे कोई दुख नहीं है इस बात को कहने में, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मैं अपने वचन को थोड़ी ना बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है। तो कहने का मतलब ये है, जो फसल आप लगाएंगे उसी फसल को आप काटेंगे। मैंने कभी भी किसी धर्मी को भूखे सोते हुए नहीं देखा। बाइबल में लिखा है, लिखा है कि बाइबल लिखा है, कभी भी धर्मी को भूखे हुए सोते हुए नहीं। कहीं ना कहीं से परमेश्वर उस एक समय की रोटी का इंतजाम जरूर कर देगा।
हो सकता है बिरयानी चिकन विकन ना मिले, लेकिन वो उसे एक रोटी का जो आपको संभालने की जरूरत है, परमेश्वर उसे एक रोटी का उपाय कहीं ना कहीं से जरूर कर देगा। किसी भी धर्मी व्यक्ति को मैंने कभी भूखा सोते हुए नहीं देखा, मैं सच बता दूं आपको, कहीं ना कहीं से मैंने यही गवाही सुनी है। हम खाना नहीं था, अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट हुई और वो राशन लेकर के पहुंच गए। एक पास्टर साहब की मैंने गवाही सुनी थी, खाना नहीं था, अचानक से प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से कोई व्यक्ति रास्ते से निकल रहा था, उन्होंने खटखटाकर मुझसे आज परमेश्वर ने बात की, राशन आपको दे। मैंने किसी भी कभी धर्मी को भूखा सोते बाइबल में लिखा, मैं अपना वचन नहीं बता रहा हूँ, जो आप बोएंगे जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, जो आपके भीतर है वही बाहर आएगा। अगर यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है, आपके परिवार का राजा है, तो आपके जीवन से आत्मा का फल बाहर आएगा। आपके परिवार का राजा है तो आप अपने बच्चों को उसके भय में, उसके ज्ञान में बड़ा करेंगे, प्रार्थना में बड़ा करेंगे, ये बहाना नहीं देंगे प्रार्थना में नहीं बैठता है। मेरा बच्चा 2 साल का होने जा रहा है और कई बार वो बड़ा क्रैंकी हो जाता है प्रार्थना में नहीं, हम उसको जबरदस्ती, क्योंकि हम उसके अंदर एक आदत को लाना चाहते हैं इस बात को समझने के लिए कि ये परमेश्वर का समय है। और अब ऐसा समय होगा जैसे ही प्रार्थना का वो समय आता है, हम अगर भूल जाए तो वैसे हाथ ऐसे कर कर वो हमें याद दिलाएगा प्रेयर सोने से पहले, तो हम लोग फिर प्रार्थना कर कर एक साथ वो भी हाथ जोड़ेगा। मेरा बेटी में, मेरे 2 साल का बेटा है, इसकी बात बता रहा हूँ, कैसे 6 महीने से हमने उसके अंदर एक आदत को लाना शुरू किया। पहले 6 महीने बड़े मुश्किल थे, रोता था, भागता था, लेकिन हम उसको पकड़ रहते थे और साथ में सिखाते थे कि नहीं, ये परमेश्वर का समय है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। कल को अगर वो बच्चा जीवन में असफल हुआ, जिम्मेदारी किसकी होगी? माँ बाप की। भंडारी परमेश्वर ने किसको ठहराया है? माँ, मुझे और आपको, जिनके हाथों उस बच्चे को एक तोहफे के रूप में परमेश्वर ने दिया है, वो बच्चा परमेश्वर का एक वरदान के एक तोहफे के रूप में हमारे हाथों में परमेश्वर ने सौंपा, उसको उसकी बुद्धि में ज्ञान में बड़ा करना माँ बाप की जिम्मेदारी। जैसा पेड़ हम लगाएंगे वैसा ही फल बाहर आएगा, तो आप कैसा पेड़ लगा रहे हैं? सवाल मेरा ये है आपके लिए, इसके साथ मैं समाप्त करूंगा। आज की सुबह, दोपहर हो गई, आज की दोपहर कैसा फल आप लगा रहे हैं? जैसा आप, याद रखिए बाइबल में यीशु अपने चेलों से कहता है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही मिलेगा, वैसा ही काटोगे, और जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल वापस आएगा। और अंत का जो वचन है, अंत की जो भाग है 46 से 39 तक, उसमें यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारा समर्पण मेरे ऊपर होने पाए, तुम्हारा जो विश्वास है अगर मेरे ऊपर है तो वो मानो उस घर के समान है जो चट्टान पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? संडे स्कूल का एक गीत भी है, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई लेकिन वो घर कहीं नहीं गिरा, राइट? वो इसी कहानी से लिया गया है। और यहाँ पर यह बात करी जा रही है, अगर तुम अंत तक विश्वासियों के ठहरोगे, अपने समर्पण को बनाए रखोगे, मेरी व्यवस्था और आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, शिक्षा के अनुसार, तो तुम उस चट्टान के समान हो जिस पर वो घर बनाया गया। हालेलुया। कितने ही बड़े तूफान आ जाए, तुम्हें छुएंगे लेकिन तुम्हें हानि नहीं होगी। कितनी बड़ी आग क्यों ना आ जाए जीवन में, आग भरी चुनौतियां हैं, उसे हो करके तुम निकलोगे लेकिन जलोगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ये उपदेश यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए दिया, और मेरा यह विश्वास है आज की सुबह कि हम सब उसके चेले हैं। उन्होंने इन 7 आज्ञाओं को, इन 4 आशीषों को और इन 4 कानूनों को हम अपने जीवनों में लागू करने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि सच है कि हमारे मानवीय शक्ति, हमारी मानवीय ताकत और काबिलियत में एक ऐसा जीवन जीना असंभव है, ये सच है, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। क्या अभी भी हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें माफ करना है? क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करना है? क्या ऐसी कुछ बैर है, कड़वाहट है जिसे भुलाकर हमें आगे बढ़ना है? तो ये वो समय होगा, मैं चाहूंगा आप अपना और परमेश्वर के बीच कुछ समय लेकर परमेश्वर से सहायता मांगे, और परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा इन बातों से बाहर निकलने में। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए,
कि वृक्ष के पेड़ के जो फल है, पेड़ के फल से लोग जान जाएंगे कि पेड़ कैसा है। हालेलुया। अगर हमारे जीवनों से आत्मा का फल प्रकट होगा तो ये संसार देखने पाएगा कि हम यीशु के हैं। हालेलुया। और याद रखिए, आपके फल, पेड़ का फल पेड़ के लिए नहीं लेकिन दूसरों के खाने के लिए होता है। हालेलुया। और इसलिए होने दे आपकी आत्मा के फल दूसरों को दिखने पाए, वे जो प्रभु को नहीं जानते वो आपके जीवन से यीशु को देखने पाए, आपकी क्षमा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा। और जब वो आपसे शत्रुता रखते हैं, बैर रखते हैं, आप फिर भी उन्हें क्षमा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जो आपको श्राप देते हैं आप उन्हें आशीषित करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जबकि हर एक आंख बंद है, आइए हम अपने आप से इस सवाल को पूछें, मेरे जीवन से कैसा फल उत्पन्न हो रहा है? क्या मेरे जीवन से जो फल उत्पन्न हो रहा है उससे लोगों का भलाई हो रही है? क्या लोग उससे आशीष पा रहे हैं? क्या मेरे जीवन से जो फल उत्पन्न हो रहा है वो भिन्न है लोगों से, या संसार के लोगों के समान मेरा फल भी वही है? क्या मेरा जीवन जो एक वृक्ष के समान है, वो वृक्ष, वो पेड़ दूसरे पेड़ों के समान है जो संसार में पाई जाती हैं? यीशु ने जो उपदेश दिए, आशीष के वचन और फिर हाय के वचन, और जो उपदेश दिए प्रेम के लिए, दूसरे पर न्याय नहीं बोलना, एक भला मनुष्य अपने हृदय में से भली बातों को उत्पन्न करता है, और एक बुरा व्यक्ति जो उसके दिल में बुराई भरी हुई है उसी बुराई में से बुराई प्रकट करता है, क्योंकि मुंह से वही शब्द निकलते हैं जिससे हृदय भरा हुआ है। आपके दिल में कैसी बातें भरी हैं? मेरे प्रियो, हम केवल यदि हम वचन सुनकर हम यूं ही जाएं तो फिर हमारा आने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यदि हम वचन सुनते हैं तो हमें उस व्यक्ति के समान होना है जो आईने को, आईने में अपने चेहरे को देखकर भूले ना, इसी प्रकार से वचन सुन के भूले ना, परंतु ठीक वही करे जैसा वचन में दिखाया गया है। So, इसीलिए हम दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम मांगेंगे। जब हम किसी से मांगते हैं तो हमारे हाथ के पोजीशन क्या होता है? मांगने वाला पोजीशन। लाइए और पवित्र आत्मा से मांगिए कि हे पवित्र आत्मा, होने दे मेरे दिल के अंदर केवल वही भली बातें पाई जाए जो आप उसमें निवेश करते हैं, जो आप डिपॉजिट करते हैं, और बाकी चीजें मेरे दिल से दूर होती रहे। मेरे दिल को खाली कर उन बातों से जो अच्छी नहीं है, जो भली नहीं है, जो सही नहीं है, और होने दे मेरा जीवन जो वृक्ष के समान है उसके जड़ बहुत गहराई तक तेरे वचन में पाई जाए, गहराई में प्रभु जी, ताकि जब फल उत्पन्न करने का समय हो तो फिर ऐसा फल उत्पन्न होने पाए जिससे लोग उसे चखकर सच में आनंदित हो, आशीषित हो, और प्रभु हम उस आशीष का कारण बने हुए होंगे। हे पवित्र आत्मा, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है। इस द्वार से निकलते ही हम भूले ना, हम ना भूले उन बातों को जो हमने सुना है, हम उसे याद रखें, हमारे दिल में, हमारे कानों में वो गूंजती रहे, ताकि हम उसके अनुसार करें, हम उसके अनुसार चलें। ये आपके वचन का उद्देश्य है। प्रभु जी, मैं आपके लोगों पर आपके आशीष को बोलता हूं, जितने यहां पर आए हैं आज के दिन प्रभु, दूर दूर से भी लोग आए हैं प्यारे प्रभु जी, दूसरे शहरों से लोग आए हैं,
बहराइच से, कानपुर से और इर्द गिर्द के नगरों से लोग आए हैं आज के दिन यहाँ पर। प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन पर पाई जाए, आपके आशीष उनके जीवन में उतरने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आए हैं, चाहे वो हर रविवार को आने वाले हो, चाहे वो 3 महीने में एक बार आने वाले हो, प्रभु होने दे कि वे अपने आप को आपके निकटता में खींचे पाए और होने दे वे आपके प्रेम में बढ़ने पाए प्रभु जी। और जब वे आपके प्रेम में बढ़ेंगे तो फिर आपके देह से भी, आपके कलीसिया से भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। और वो दिखाई देगा, वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। सो मेरी प्रार्थना है आपके लोगों पर आपकी आशीष हो आने वाले सप्ताह में, प्रभु उनका सप्ताह फलवंत होने पाए। बिजी वीक नहीं, व्यस्त सप्ताह नहीं, फलवंत सप्ताह, एक विजयी सप्ताह, एक ऐसे सप्ताह जहां पर उन्होंने कम से कम 2 लोगों को यीशु मसीह के बारे में अपनी गवाही सुनाई हो प्रभु जी, ऐसा एक सप्ताह होने पाए। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो हमारे संग हर दिन बनी हुई है। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जबकि आपके लोग यहाँ से जाते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। होने दे कि हर दिन प्रभु जी हम कलीसिया के प्रार्थनाओं में जुड़ने पाए और शुक्रवार के दिन फ्राइडे शाम को हम सब यहाँ पर आने पाए इस मंदिर में शाम 6:30 बजे प्रार्थना के लिए, और शनिवार के दिन शाम 7 बजे ऑनलाइन माध्यम से हम प्रार्थना में जुड़ने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। अगले रविवार को प्रभु सुबह की आराधनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं, शाम के कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जब आपके नाम से आराधना उठेगी उस मैदान से, प्रभु होने दे कि लखनऊ के ऊपर के वातावरण में एक अद्भुत, एक अभिषिक्त वातावरण होने पाए प्रभु जी, और वो शाम प्रभु एक अनोखा शाम होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु लखनऊ जानने पाए कि 29 जनवरी को कुछ हुआ है। ओ प्यारे प्रभु जी मौसम अच्छा हो, लोग आने पाए, आप उपाय करें प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।